राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर करी थी वो करी थी चांदनी चौक किनारी बाज़ार की, जहाँ पर मैंने आपको जो है दिखाया था और बताया भी था कि आप ऑनलाइन घर बैठे जो है वहाँ से डेकोरेटिव आइटम कैसे मंगा सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर वो सारे जो है प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने मेरी किनारी बाज़ार की शॉपिंग मॉल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से जाकर जो है आप देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है और किस प्राइस पर जो है मैंने परचेज किया है। पूरी डिटेल में मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाली हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैंने वहाँ से क्या शॉपिंग करी है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, 3-4 दिन जो है थोड़ा सा ऊपर हो गई है वीडियो, क्योंकि किसी काम की वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया और कितने रीजनेबल प्राइस पर परचेज़ किया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार चांदनी चौक किनारी बाज़ार ज़रूर विज़िट करें। अगर आप लड्डू गोपाल की ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, या उनके लिए बेड जो है डेकोरेट करते हैं, पगड़ी डेकोरेट करते हैं, और जो है बास्केट डेकोरेट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बास्केट डेकोरेट करके दिखाई थी, बाकी इन चीज़ों से भी जो है मैं बहुत सारी जो है डेकोरेटिव चीज़ें बनाने वाली हूँ जो चैनल पर वीडियो अपलोड होने वाली है आने वाले टाइम पे। तो जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर जो है मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ और जो है ये सब चीज़ें, शॉपिंग हॉल डिज़ाइंस जो है कैसे लगते हैं, और वीडियोज़ को आगे शेयर भी करना, ताकि और लोग भी जो है लड्डू गोपाल जी या भगवान जी से जो है रिलेटेड कोई भी आइटम बनाना चाहते हैं तो उनको रीजनेबल प्राइस पर ये सारे प्रोडक्ट इजीली मिल सके। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसके अंदर मैंने एक शॉप का जो है आपको पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन उनसे घर बैठे ही कहीं पर भी हों आप उनसे इन सब चीज़ों को ईजिली मंगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जो है चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैंने उस शॉप से परचेज की थी वो है इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर। दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, आप इनको जो है कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। आप मंदिर भी डेकोरेट कर सकते हैं इन फ्लावर से। अगर आपके पास जैसे भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पे स्पेस है, तो आप वहाँ पर इस तरह के डिफरेंट कलर के जो है फ्लावर यूज़ करके अपने मंदिर को बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी मैं इससे जो है लड्डू गोपाल की बास्केट डेकोरेट करने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर करी आपके साथ कि लड्डू गोपाल की बास्केट कैसे डेकोरेट करें, तो उसको आप चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको ज़रूर देखना कि कितने खूबसूरत तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को एक जगह से दूसरे जो है जगह पर ले जाने के लिए बास्केट डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट कलर थे वहाँ पर अवेलेबल, और ये सभी आपको भैया अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको कलर भेज देंगे, कलर ऑप्शन जो आपको मंगवाना हो आप मंगवा सकते हैं। और ये जो है 150 की रेंज में था शायद, ये वाला 150 के अंदर 4 फ्लावर हैं ये, और बाकी जब आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो ये आपको जो है 100-120 के अंदर मिल जाएगा। मार्केट प्राइस इसका जैसे जो है 150 है, बाकी जो थोक में लेना चाहते हैं उनको और भी जो है रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा, क्योंकि वो रिटेल में ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं। अगर आप उनके साथ बहुत सारा स्टॉक लेते हैं तो आपको और भी जो है सस्ता पड़ सकता है। तो इसके काफ़ी कलर थे, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इस तरह से मस्टर्ड कलर भी लिया है, गोल्डन के ऊपर जो है ये गोल्डन टच और मस्टर्ड का जो है कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा, आप कहीं पर भी इसको डेकोरेट करते हैं। और एक इसका मैंने लिया है ब्लू कलर। तो इस तरह से बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, लाइट पिंक भी था, और जो मैंने आपको डिटेल में वीडियो में दिखाई है कि किस तरह के जो है कलर ऑप्शन थे वहाँ पर, तो मैंने ये कुछ कलर वहाँ पर लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह का जो है पैटर्न है फ्लावर के अंदर। ये जो है हमारे पास ये इस तरह का एक कपड़ा है, जैसे हम कई बार बोरी वगैरह भी यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा आजकल, उसी के अंदर पट्टी इस तरह की एक पट्टी आती है डिफरेंट कलर्स के अंदर, जो है ऑनलाइन भी आपको अमेजोन पर वो मिल जाएगी। बाकी उसके बने हुए फ्लावर हैं ये कॉटन के, इस तरह की बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारा देखिए फ्लावर है। तो मैंने इसको स्काई ब्लू और ब्लैक दो कलर कॉम्बिनेशन में लिया है, तो आप वहां से जो है सिंगल सिंगल कलर भी परचेज कर सकते हैं, और बाकी आप दो कंबाइन करवा के भी मंगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है मेरे ख्याल से 12 इसी तरह से जो है फ्लावर है। तो 6 हमने ब्लू लिए हैं, 6 हमने ब्लैक लिए हैं, ये भी 150 की रेंज में है सारे। और ये है देखिए गोल्डन कलर की लीफ, जिसे आप कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, और एक ही इसके अंदर मैंने ली है सिल्वर, सिल्वर और जो है गोल्डन कलर के अंदर मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया है।
ताकि हम इसको जो है मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी हम जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पगड़ी में भी डेकोरेट कर सकते हैं, ड्रेसेस अगर आप बना रहे हैं तो ड्रेसेस के अंदर भी अरेंज करके फ्लावर लगा के बहुत खूबसूरत लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं। और कई जगहों पर जैसे मैंने कहा मंदिर को मल्टीपर्पज़ है ये, आप कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको लगे आप इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जो है चॉइस हो, ये जो है 50-50 का मुझे एक पड़ा है तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। और अगर आप इसको अपने नियर की शॉप से, अगर घर के नियर जो आपकी शॉप से जहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, स्टेशनरी वगैरह पे भी अगर आप लेना है जाएंगे तो ये बहुत कॉस्टली पड़ती हैं चीज़ें। और वहाँ से देखिए बल्क में आप उठाएंगे तो और भी जो है सस्ता जैसे मैंने कहा पड़ने वाला है। बाकी ये 50-50 के पैकेट है, काफ़ी सारे इसके अंदर लीव्स हैं तो ये बहुत ही आसान और सस्ते रेट पर आपको वहाँ से ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उनसे जो है ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाकी अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ स्टोन्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से 20 फ्लावर का पैकेट है और ये कुल 80 रुपीज़ में जो है हमें वहाँ से मिल गया है। बाकी अगर हम नॉर्मल शॉप से अगर आप इसको खरीदेंगे तो 20 का, 40 का, कहीं कहीं पर जो है 40 का एक जो है हमें स्टोन मिलता है। बाकी वहाँ से देखिए 20 फ्लावर का ये सेट हमें 80 रुपीज़ में मिला है। और जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आप बल्क में ख़रीदते हैं वहाँ से तो बहुत ही और भी चीप आपको पड़ने वाला है। तो देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है, क्योंकि कई बार इस तरह की डिमांड रहती है चैनल पर। कई बार मेरे से जो है लोग पूछते हैं कि दी आप कहाँ से जो है इस तरह के फ्लावर्स के जो है स्टोन आप परचेज करते हो, हमें मार्केट में नहीं मिलते। क्योंकि जब हम इनको पगड़ी में अरेंज करते हैं तो इससे जो है पगड़ी बहुत ही खूबसूरत निकल कर आती है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। बाकी मैं इस बार इनको ड्रेसेस के अंदर भी यूज़ करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत। यानी सिंपल घेरे के अंदर जब हम इस तरह का जो है कुछ इस तरह का वर्क कर देते हैं तो हैवी ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट हो जाती है। तो कुछ नया आइडिया मैं इस बार लगाने वाली हूँ। बाकी आप इसको जो है बास्केट डेकोरेशन में या कहीं भी ड्रेसेस में, पगड़ी में, मुकुट में, कहीं भी आप यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने एक अटैचमेंट ये वाली ली है, ये कुछ इस तरीके का स्टोन है, मैं आपको एक निकाल कर दिखा देती हूँ। तो ये भी जो है आपको इस तरह का देखिए पगड़ी के अंदर बना सकते हैं। और बाकी मैं पगड़ी के अंदर इसकी डिफरेंट अटैचमेंट भी बनाकर आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे पगड़ी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी जो है 20 का ही जो है 20 पीस हैं, ये भी 80 रुपीज़ के हमें मिले हैं। तो ये सारे जो हैं 80 रुपीज़ के अंदर हैं, तो बहुत ही जो है सस्ते में आपको पड़ जाती हैं ये सब चीज़ें। और आपको एक बार सिर्फ मार्केट जाना है, कभी भी आप मार्केट जाएँ तो थोड़ा सा बजट अपना बनाकर जाएँ, मतलब 2-2.5 हज़ार के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये कोई ये नहीं है कि एक महीने में ही ख़त्म हो जाती हैं, 2 महीने में, काफ़ी टाइम चलती हैं। तो इतने 2-2.5 हज़ार के बजट में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह की आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का एक फ्लावर है गोल्डन कलर का। तो जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं इनसे बहुत ही डिफरेंट चीज़ें जो है बनाने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए, कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत जो है ये फ्लावर है गोल्डन टच के अंदर। और गोल्डन और सिल्वर वर्क जब हम लेते हैं तो आप उसको मल्टीपर्पज़ यानी किसी भी चीज़ में बहुत ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। बाकी मल्टी कलर में भी आप लेना चाहेंगे तो मल्टी कलर में भी ये वहाँ अवेलेबल है। और ये सभी जो हैं 80-80 रुपीज़ के हैं और आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा फ्लावर है। और जब आप इसको ख़रीदने भी जाएंगे नॉर्मल शॉप के ऊपर, आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत कॉस्टली पड़ती हैं इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर आपको देखिए कितने सारे फ्लावर जो हैं इस तरह से सस्ते रेट में मिल जाएंगी। इसी तरह से एक अटैचमेंट ये भी है जिसको हम कान्हा जी की पगड़ी में यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसेस के अंदर भी हम यूज़ करेंगे, ऐसी बात नहीं कि पगड़ी में ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ 80-80 रुपीज़ की हैं। और कई पैकेट हमने लिए हैं इस तरह के, क्योंकि काम है इस तरीके का तो हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। और एक अटैचमेंट मैंने ली है ये वाली, ये देखिए इस तरह की, इससे हम जो है लड्डू गोपाल की, ये मैंने जो ली है ये मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए ली है। इससे हम बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर हैवी ड्रेस बनाकर कंप्लीट करेंगे लड्डू गोपाल की, आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो मैं अभी आपको ये स्टोन वगैरह दिखा रही हूँ जितने भी हैं, ये सभी 80-80 रुपीज़ के मुझे वहाँ से पड़े हैं। और आप वहाँ से अपने लड्डू गोपाल के लिए इजीली ले सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी उनसे भैया से ये सारी चीज़ें मंगा सकते हैं, व्हाट्सअप पर वो आपको इन सबकी पिक्स भेज देंगे जो जो उनके पास चीज़ें अवेलेबल है। बाकी मैं अब आपको दिखाऊंगी कुछ स्टोन। तो ये देखिए कुछ स्टोन हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेसेस में भी लग कर आते हैं। और अगर आप नॉर्मली इनको जो है राधा कृष्णा के श्रृंगार में भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी रिंग बना सकते हैं,
लड्डू गोपाल की रिंग बना सकते हैं और माथे की बिंदी के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राधा रानी के लिए, कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ये आपको एक सिंगल बिंदी, अगर आप इसकी इस तरह की बिंदी लेते हैं तो ये आपको कम से कम एक पीस ही जो है 20, 35, 25 इस तरह से, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके रेट जो है इंक्रीज होते जाते हैं। और ये पैकेट सिर्फ मुझे 50 रुपये में वहाँ से मिला है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टोन हैं। और एक मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक स्टोन आपको जो है 20 से स्टार्ट होता है, इतना बड़ा। क्योंकि मैंने अभी तक राधा रानी की, कान्हा जी की जितनी भी बिंदी ली है इस तरह से एक मल्टी कलर के अंदर, तो वो मुझे जो है 25 की पड़ती है, कोई 30 की पड़ती है, तो इस तरह से। और जैसे मैं छोटा साइज़ लेती हूँ तो वो मुझे 20 की, 15 की, इस तरह से जैसे जैसे साइज़ जैसा मैंने कहा इंक्रीज होता जाता है, इनका जो है प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो ये आपको जो है खुले पैकेट वहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे। और ये आपको मिलेंगे जो शॉप के बाहर जो वहाँ पर मार्केट लगाते हैं लोग, वहाँ से आपको मिलेंगे सस्ते। बाकी आप शॉप से परचेस करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा रेट ज़्यादा, बाकी इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पर भी नहीं लगा। ये कितने पीस हैं मुझे नहीं पता इसके अंदर, बाकी काफ़ी सारा है। ये मैंने दो पैकेट इस तरह के लिए हैं। बाकी हमने मल्टी कलर के अंदर देखिए स्टोन लिए हैं, ये मेहरून है, साइड में इस तरह से जो है स्टोन वर्क हुआ हुआ है। ये मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, ये जो है 500 पीस है इस पैकेट के अंदर, 500 पीस है। ये 150 का पूरा मुझे पैकेट पड़ा है, 500 पीस है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना चीप रेट पे हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट से। और अगर आपका काम है तो वहाँ से आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है। ये एक देखिए लाइट पिंक कलर है, बहुत प्यारा कलर है, कलर के हिसाब से भी वहाँ पे रेट जो है अप हो जाते हैं। कुछ पैकेट तो मुझे 150 के पड़े हैं, कुछ 180, 200 के भी पड़े हैं कलर की वजह से, क्योंकि उनका कहना था कि जो कलर कुछ डिमांड में ज़्यादा होते हैं, यूनिक होते हैं, तो उनके प्राइस अप रहते हैं। लेकिन 500 पीस भी अगर आपको 200 में भी पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से तो महंगा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टोन 20 का भी अगर आपको पड़ता है तो सोचिए कितनी कॉस्ट आती है हमारी। और ये चीज़ें ऐसी होती है, कई बार हम कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए यूज़ करते हैं तो गिर जाते हैं, तो नग भी निकल जाते हैं, फिर हमें परचेज़ करने पड़ते हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये वहाँ से आप बल्क में या इस तरह से सिंगल पैकेट भी अगर आप उठाते हैं तो ये आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। बाकी मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है, तो कभी आप जाए तो आपको लगे कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फ़र्क नज़र आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो अभी यही रेट है वहाँ पे, मैं करंट में ही ये शॉपिंग करके आई हूँ, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी है, तो अभी तो यही प्राइस है जो मुझे मिला है। बाकी ये उनके पास 500 पीस का जो है पुराने पीसीज भी पड़े थे, ये भी फ़र्क हो सकता है। आप देखिए पॉलोथीन आप देख सकते हैं, ये उनके पास जो है काफ़ी पुरानी पैकिंग थी तो उन्होंने मुझे ये 150 में दी है। बाकी थोड़ा सा नए जो उनकी पैकिंग है उसका प्राइस जो है अप हो सकता है। तो मैंने तो जब वो निकाल रहे थे तो उनके नीचे दबे हुए थे ये पीस, तो उन्होंने बोला ये बहुत पुराने पीस हैं तो इसीलिए 500, क्यों नहीं तो वहाँ पर 1 kg का पैकेट मिलता है पूरा अगर आप उठाते हैं शॉप से, तो ये जैसे मैंने बोला 1 kg का आपको पूरा पैकेट मिलेगा अगर आप स्टॉक में लेना चाहते हैं तो। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं थी, ये पुराने पीस मुझे 500 के जो हैं मिल गए, यानी 500 पीस के मिल गए, तो मैंने उनसे बोला मुझे यही दे दो, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत है तो आप 1 kg में भी ले सकते हैं, नहीं तो शॉप के बाहर जैसा मैंने कहा छोटे छोटे से ये पैकेट भी आपको हर कलर के मिलेंगे। जो मैंने आपको दिखाए हैं या मैं आगे दिखाऊंगी उनके इस तरह की पैकिंग है छोटे छोटे की, ये आपको 50-50 का एक पड़ेगा, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से वहाँ से ले सकते हैं। एक इसके अंदर आप देख सकते हैं सिल्वर टच है ये, मैं भी इसको पूरा आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सुंदर है। जैसा मैंने कहा पैकिंग जो है पुरानी है, बाकी स्टोन इसके अंदर बिल्कुल न्यू है, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो आप इससे जो है लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बिंदी भी बना सकते हैं। मैं इनको जो है राधा कृष्णा की बिंदी के तौर पे या उनकी रिंग बनाने के लिए भी जो है यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी श्रृंगार वीडियो में कि मैं आप इन चीज़ों को कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करती हूँ। एक इसी का स्काई ब्लू कलर है, ये भी 500 पीस का, ये देखिए 500 पीस है इसके अंदर, और प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, सबका है सेम प्राइस है। बाकी जैसे कुछ यूनिक कलर है तो 20 से 30 रुपीज़ जो है अप हो जाते हैं वहाँ पर। और इसी के अंदर एक मैंने लिया है ये बड़े साइज़ का, तो ये जो है बड़ा स्टोन है जो मैंने आपको नॉर्मली दिखाए हैं उससे काफ़ी बड़ा पीस है। आपने देखा होगा कान्हा जी की ड्रेसेस में ये बहुत यूज़ होते हैं आजकल, और मैंने पगड़ी के अंदर भी कई बार आपको दिखाए हैं इस तरह के स्टोन जो है यूज़ करते हुए। तो मैं कई बार तो जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा है कि लड्डू गोपाल की ड्रेसेज के भी मैं रख लेती हूँ,
मैं उनको दोबारा रीयूज़ कर लेती हूँ उनकी ड्रेसेस के अंदर ही। बाकी नए स्टोन भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि इतनी ड्रेसेस बनती है, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, आपने चैनल पर देखा है तो कम पड़ जाती हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरा पैकेट इस तरह से लिया है। बाकी जैसा मैंने कहा इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा याद नहीं है कि ये मुझे एग्जैक्टली कितने का पड़ा था क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन काफ़ी सारे पीस हैं इसके अंदर भी। अगर हम पीस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कोई कॉस्टली नहीं है। अगर 300 का भी हमें ये पैकेट पड़ा है तो मेरे हिसाब से तो रीज़नेबल है, क्योंकि जब मैंने नॉर्मल मार्केट में इनको पता किया है तो एक एक स्टोन जो है बहुत महंगा मिलता है, तो उसके हिसाब से तो मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस लगा है इनका। एक इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने सिल्वर लिया है ये इस तरह से, और एक लिया है इसी का गोल्डन, देखिए गोल्डन टच में है ये। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इनको कहीं पर भी जैसा मैंने कहा यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं वो मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करती हूँ, तो आप उनको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनसे कितनी खूबसूरत तरीके से आप कान्हा जी की लड्डू गोपाल की पगड़ी बना सकते हैं, ड्रेसेस बना सकते हैं। इसी तरह से हमने एक छोटे के अंदर, मैंने छोटे साइज़ में वैसे ज़्यादा वो लिया है, बड़े साइज़ के तो मैंने दो लिए हैं, एक सिल्वर एक गोल्डन, और इसी तरह से हमने छोटे के अंदर भी देखिए गोल्डन टच में ये लिया है, आप देख सकते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। तो हमने सारे कलर ऑप्शन, क्योंकि मार्केट गए थे तो बार बार जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, एक ये प्योर गोल्डन है आप देख सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके सेंटर में गोल्डन है और साइड में जो है वाइट कलर के स्टोन लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और ये पूरा गोल्डन है। क्योंकि जब आप मार्केट जाएँ तो इस तरह की सारी जो है ऑप्शन लेकर चलना तभी फ़ायदा है, क्योंकि जब आप मार्केट में इतनी सारी चीज़ें लेते हैं तो जो है प्राइस कम होने के चांसेस भी रहते हैं, और आप इतनी दूर जा रहे हैं तो अपने लिए बार बार जाना ना पड़े, उसके लिए इस तरह के सभी कलर ऑप्शन आप ले लें। तो ये देखिए एक रानी कलर है, एक मैंने आपको लाइट पिंक दिखाया था, एक रानी कलर है ये। तो ये सभी हमने जो है 180, 150, 200 के रेंज में लिया है, बाकी बड़े पैकेट महंगे थे। और एक अटैचमेंट ये रह गई है, ये वाली है जो मैंने आपको अटैचमेंट दिखाई है इतनी सारी, उसी के अंदर एक अटैचमेंट हमारी ये है आप देख सकते हैं। तो कितनी खूबसूरत अटैचमेंट है, जितनी भी मैंने आपको दिखाई है बहुत प्यारी है, और इनसे हम जो है कान्हा जी की पगड़ी की जो मार्केट में आपने देखा होगा बहुत, यानी 150 की 200 की अटैचमेंट मिलती है, उसको घर पर आप इजीली, यानी ये देखिए 20-20 का ये पैकेट है, मतलब 80 का हमने लिया है, 20-20 इसके अंदर है, आप इतने सारी अटैचमेंट बना सकते हैं लड्डू गोपाल कान्हा जी के लिए, और बहुत ही खूबसूरत लुक लगने वाला है आने वाली वीडियोज़ में। जब आप इनको बनाना सीखेंगे तो आप बहुत ही प्यारा लुक निकाल कर ला सकते हैं अपने कान्हा जी का, लड्डू गोपाल का, या किसी भी भगवान के लिए आप पगड़ी में या कहीं पर भी जो है इसको यूज़ करते हैं तो। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे आप कान्हा जी की लड्डू गोपाल की कितने खूबसूरत तरीके से, मार्केट की जो इतनी हैवी यानी 200-250 कई बार हमारा मन होता है लेकिन हम परचेज़ नहीं कर पाते क्योंकि कई सारी चीज़ें लेनी होती हैं तो बजट भी देखना होता है, तो हम घर पर इजीली यानी कितने सस्ते के अंदर जो है इस तरह से कान्हा जी के लिए कितनी सारे अटैचमेंट बना सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊँगी आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो बहुत प्यारी और चीप रेट में जो है आपकी ये अटैचमेंट बनने वाली हैं। तो मैंने आपको देखिए कितनी सारी यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाई हैं, तो इन सभी से जो है हम कान्हा जी की बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है पगड़ी की अटैचमेंट बनाकर कंप्लीट करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें हैं इससे भी अटैचमेंट बनाकर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी फ्लावर के अंदर भी कि आप कैसे जो है पगड़ी के लिए इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए 80-80 रुपीज़ के अंदर कितने सारे हमें फ्लावर मिल जाते हैं। बाकी इसको तो मैं ड्रेस के अंदर यूज़ करने वाली हूँ, आप देखने वाले हैं। और एक चीज़ जो हमने ली थी वहाँ से ये है जिसे हम ड्रेसेस में कहीं पर भी जो है आपने देखा होगा आजकल फ्लावर के साथ पगड़ी में कहीं भी आप इस अटैचमेंट को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है, मल्टी कलर के अंदर है, और ये भी 50 रुपये का यानी 50 रुपीज़ का पैकेट है। तो देखिए कितनी सारी शेड आपको 50 रुपीज़ में मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ड्रेसेस के अंदर और पगड़ी में बहुत काम आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ईजिली मिल जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी बची है शॉपिंग के अंदर वो बची है जो हमने पर्ल हम यूज़ करते हैं माला, तो ये आपको देखिए इस तरह से वहाँ पर बहुत सस्ती मिल जाती हैं। यानी देखिए आप देखते हैं हम फ्लावर के अंदर भी यूज़ करते हैं लड्डू गोपाल के लिए, और पगड़ी में कई बार जो है लटकन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ड्रेसेस के अंदर बहुत सारा यूज़ होता है इन चीज़ों का। तो ये वहाँ पर आपको जो है 20-20 रुपीज़ में 30 रुपीज़ में मिल जाएंगी, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये 20 की आपको पड़ जाएगी, नहीं तो 30 की तो पूरी मार्केट में आपको मिल रही है। काफ़ी लंबी माला है आप देख सकते हैं,
काफी सारे पर्ल हैं इसके अंदर और साइज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, यानी छोटा बड़ा जैसा भी आपको लेना हो। तो मैंने इसके अंदर एक जो है नॉर्मली हम यूज करते हैं ऑफ वाइट वो लिया है, एक बहुत ही प्यारा कलर आप देख सकते हैं ये है, ये एक पीच भी बोल सकते हैं आप इसको, ये पिंक और पीच का मिक्स है, बहुत प्यारी शेड है। मेरे को ये चाहिए था और वहाँ पर मुझे बहुत सस्ता मिली है, क्योंकि ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया था तो वहाँ पर 250-230 की आपको ये माला मिलती है, यानी जिसमें 100 पीस दिए हुए हैं मोती के, और यहाँ पर आपको देखिए 30-30 रुपीज़ की ये इजीली मिल जाएंगे। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी बड़ी माला है, काफ़ी सारे पीस आपको मिल जाते हैं, आप इसको बहुत सारी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी अगर आप मंगाते हैं तो मैंने आपको बताया 250 की आपको, मतलब ऐसे रेंज दी हुई है कि 250 के अंदर आपको इतने पर्ल मिलेंगे, 300 में इतने पर्ल मिलेंगे, इतने पीस मिलेंगे पर्ल के, वो खुले होते हैं, खुले वाले पीस मिलते हैं, और ये पूरी पूरी मालाएं हैं जो आपको 20-30 रुपीज़ में वहाँ पर ईजिली मिल जाएंगी। और एक इसके अंदर जो है, सॉरी ये हमारा वाइट था और ये ऑफ वाइट है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, मैंने थोड़ा सा मोती का बड़ा साइज़ लिया है, क्योंकि जब हम बड़े जो है ड्रेसेस बनाते हैं तो उसमें पर्ल का साइज़ हमारा बड़ा हो जाता है, तो एक मैंने छोटा साइज़ लिया है, एक मैंने बड़ा लिया है। तो इस तरह से आपको जिस भी कलर में मालाएं चाहिए आप वो ले सकते हैं। कुछ मैंने इस तरह के सिल्वर के अंदर भी सिल्वर कलर में ये मालाएं ली हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ये आप अपने खुद के लिए भी ले सकते हैं, अगर आपको गले में पहननी है, बहुत शाइनिंग है, पार्टी वेयर लुक देने वाली है। एक आइडिया तो मैंने वहाँ पर खरीदते खरीदते यही लगाया था कि इससे आप इस तरह से देखिए ब्रेसलेट बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगने वाला है इस तरह से हैंगिंग के अंदर। तो मैं इसमें से एक एक अपना ब्रेसलेट भी बनाऊंगी क्या बना बनाया या बस सिर्फ डबल फोल्ड मानना है, तो आप इसको अपने लिए भी जैसा मैंने कहा आप यूज़ कर सकते हैं। एक इसके अंदर हमने गोल्डन कलर लिया है, तो ये तीन तीन चार चार हमने इकट्ठी ली हैं, ये हमें 20-20 की पड़ गई थी, वैसे 30 की बोली थी उन्होंने भैया ने, लेकिन जैसा मैंने कहा हमने काफ़ी सारी ली थी वहाँ से, तो हमें उन्होंने 20-20 की ये लगा दी थी। मैंने 5 सिल्वर ली थी, 5 गोल्डन ली थी इस तरह से, तो आप अपने काम और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, और जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसको कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए भी माला बनाना चाहें तो आप इस तरह से डबल फोल्ड करके बना सकते हैं। बड़े लड्डू गोपाल जी हैं वो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, कान्हा जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं इनको ड्रेसेस में भी यूज़ करने वाली हूँ। मल्टीपर्पज़ हैं ये सभी चीज़ें, आपको जैसा आइडिया अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आप अपने खुद के लिए भी, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने खुद के लिए भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और 2 कलर हमने लिए थे इसके अंदर, ये वाले, ये हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे रेट पे वहाँ पर मिल गई थी। ये देखिए सी ग्रीन कलर है, जो नॉर्मली ना कलर बहुत मिलते भी नहीं है, फिर ऑनलाइन सर्च मारो तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो बहुत प्यारा कलर है। देखिए ये सभी वहाँ पर 30-30 की लेंथ आपको मिल जाएगी ये इस तरह से, और मैं बार बार आपको फोटो देखिए काफ़ी बड़ी लेंथ है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इनसे बना सकते हैं। एक मैंने लिया था ये येल्लो, क्योंकि येल्लो भी हमारा कई जगहों पर यूज़ आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने किनारी बाजार, चांदनी चौक किनारी बाजार से शॉपिंग करी है, तो आप वहाँ से इस तरह का कुछ भी सामान आपको परचेज करना है, जिस जो भी आपको लगे ज़रूरत का है, तो आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। अगर आप दिल्ली में, दिल्ली के आसपास रहते हैं, गाज़ियाबाद नोएडा तक में भी रहते हैं, तो आप जा सकते हैं मेट्रो से बहुत ही आसानी से, और बहुत कम टाइम में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ज़रूर विज़िट करें। और कान्हा जी के लिए, अपने मंदिर के लिए इस तरह की जो है खूबसूरत चीज़ों को अरेंज करें, बहुत सस्ते प्राइस पर वहाँ पर मिल रही हैं। और आगे अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ और शेयर करूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम जहाँ से भी शॉप से ये चीज़ें परचेज करूँगी तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि क्या आप इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, या आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो जो जो शॉप आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सकती हैं ये सारी चीज़ें, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो में उन सबकी पूरी डिटेल लेकर आऊँगी, उन शॉप वाले भैया की भी, ताकि आप घर बैठे भी कहीं पर भी इन चीज़ों को मंगवा सके। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये सारी चीज़ें शॉपिंग हॉल लड्डू गोपाल जी का कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, और आगे भी शेयर करना लोगों के साथ, ताकि वो भी अपने जो है मंदिर और लड्डू गोपाल के लिए जो है इस तरह की सारी चीज़ों को घर बैठे ही मंगवा सके, या किनारी बाजार जाके इन सब चीज़ों को परचेज कर सके। प्राइस भी मैंने आपको इस बार सारा डिटेल में बता दिया है, कई बार शॉप पर जाने के बाद अगर आपको लगे कि ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं, तो आप जिससे आइडिया लगा सके कि नहीं इतने में मिलता है, वैसे वहाँ पे ज़्यादा फ़र्क मिलता नहीं है, सभी शॉप्स पर
एक जैसा ही प्राइस होता है मैक्सिमम, बहुत कम होता है। बस ये है कि कोई कोई हमारा जो है चार्ज जिसे हम इकट्ठा लेते हैं तो कम कर देते हैं, कुछ शॉप वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स प्राइस पर वहाँ पर सेल करते हैं। बाकी मेरी एक विजिट और होने वाली है वहाँ पर, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद होगी, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अगर आप इस तरह की, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, इंटरेस्टिंग है इस तरह की वीडियोज़ देखने में और आप चाहते हैं कि शॉप वाले भैया की पूरी डिटेल आपको दी जाए, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उनके जो है वीडियो बनाकर लाऊं कि आप घर बैठे ये सारी चीज़ें कैसे मंगवा सकते हैं, कितने प्राइस आपको जो है देना पड़ेगा। बाकी कोरियर चार्ज आपका इंक्लूड होता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए बल्क में चीज़ें मंगवाना जब भी मंगवाओ, ताकि आपका एक ही जो है प्राइस के अंदर जो भी आपका कोरियर चार्ज लग रहा हो उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी आपके घर पर आ सके। बाकी बहुत रीजनेबल प्राइस है जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इन सभी चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।